हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल EDU अपडेट। मैं आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी एक अच्छा सा जॉब लेकर आया हूँ, जो कि आपको घर बैठे बैठे काफ़ी अच्छे पैसे कमाने का मौका दे सकता है। और इस जॉब के अंदर आपको कोई भी गैजेट, किसी भी चीज़ का लैपटॉप टाइप का, कोई कंप्यूटर या फिर आपको किसी एक रुपए का भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पास में एक छोटे से स्मार्टफोन भी रहा आपके पास में, तो आप आसानी से काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि ये मेरा चैनल है EDU अपडेट, इसके अंदर सारे ही एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स आपको आते रहेंगे। साथ ही साथ आपको नए नए मार्केट में कौन कौन से अच्छे खासे फ्रीलांसिंग जॉब्स है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बताते रहूँगा। तो जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से नए नए वीडियोस मेरे आते रहें और आपको सारे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अभी आप सोच रहे होंगे, अभी तो मैंने कहा कि लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की ज़रूरत है यहाँ पे सिर्फ, तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर क्यों लेके जा रहा हूँ। बट यहाँ मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझ पाओ, आपको पता चले कि आप जो भी मोबाइल पर काम करने वाले हो वो कहाँ जाके किस तरीके से मार्केट में सेल होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में लेकर आया हूँ और आपको वो वेबसाइट दिखाऊंगा जहाँ वो उसका एंड रिज़ल्ट आने वाला है। आपको काम सारा मोबाइल पे ही करना है। मैं आपको आगे चल के आपको वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा कि मेन काम क्या है और कौन किस तरीके से आपको मोबाइल से काम करके सारा चीज़ें अपनी बेचनी है। तो आज का हमारा जॉब है मोबाइल से फ़ोटो खींच के पैसे कमाने का। तो आप सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे, सिर्फ मोबाइल से अगर हम लोग फ़ोटो खींच लेंगे तो आपको किस तरीके से पैसे आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ झूठ बता रहे हैं, बट ये बिल्कुल भी नहीं। जितना आसान है सुनने के लिए, उतना ही आसान है पैसा कमाने के लिए मोबाइल से फ़ोटो खींच के। तो आपके पास में इसके लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जिसके अंदर एक अच्छा सा कैमरा होना चाहिए, और वो भी रेयर वाला कैमरा, मीन्स वो जो पीछे वाला कैमरा होता है वो वाला कैमरा। क्योंकि फ्रंट स्क्रीन में तो आप सेल्फी मोड पे आप सिर्फ अपना ही खींच सकते हो, जबकि रेयर मोड पे कैमरे का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा इमेजेस रहता है। तो इसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी इमेज साइज़ रहनी चाहिए वो 4 MB की रहनी चाहिए कम से कम। तो यही है आज का बेसिक रिक्वायरमेंट, एक मोबाइल फ़ोन और एक कैमरा। और ऐसा आप सोच रहे हो कि हम कौन से चीज़ों का फ़ोटो खींचेंगे, हम क्या डालेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ का फ़ोटो खींच सकते हो और मार्केट में अपलोड कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसा वेबसाइट है जैसे मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि आपको किसी भी इमेज के ऊपर में पैसा देने के लिए रेडी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे लैपटॉप में कि ये कौन सी वेबसाइट है और ये लोग कैसे इसके अंदर अपलोड करते हैं डिफरेंट इमेजेस, जिसके थ्रू ये लोग इतना सारा पैसा कमा पाते हैं। तो मैं आपको यही बताता हूँ। चलो मैं आपको पहले बताता हूँ कि कैसे, कहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाता है और कहाँ पे इसे लोग खरीदते हैं, और फिर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा कि किस तरीके से मोबाइल में एक एप्लीकेशन की मदद से हम लोग किस तरीके से वहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा ये कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हो गया है और मैं यहाँ पे अपना एक ब्राउज़र ओपन करके एक वेबसाइट डालता हूँ, shutterstock.com। ये shutterstock.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपके मोबाइल से खींचे हुए फ़ोटोज़ अपलोड होंगे और वहाँ पे आपके कस्टमर्स को वो फ़ोटोज़ शो होंगे, जहाँ जिसके अंदर में वो आके वहाँ से वो उन चीज़ों को बाय करेंगे। अब आपका कहना होगा कि वो हमारे फ़ोटोज़ का क्या करेंगे। तो ऐसी काफ़ी सारी एडिटोरियल्स, ऐसी काफ़ी सारी वेब सीरीज़ रहती है, या फिर ऐसे काफ़ी सारे कस्टम्स मैगजीन्स जहाँ रहते हैं, जहाँ पे इन फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत रहती है। जैसे अगर उन लोगों को कहीं कोई इंडियन विलेज शो करना है तो यहाँ पे वो टाइप करेंगे इंडियन विलेज और वहाँ पे वो लोग सर्च कर देंगे उसको, और जैसे ही सर्च करेंगे तो उन्हें इंडियन विलेज के काफ़ी सारे डिफरेंट इमेजेस शो करेंगे। तो मैंने टाइप कर दिया है इंडियन विलेज और मैं सर्च कर देता हूँ। तो देखिए, हमारा अभी ये पेज ओपन हो चुका है और इसके अंदर यहाँ पे इमेजेस के काफ़ी सारे डिफरेंट पिक्चर्स आ चुके हैं। अब ये पिक्चर्स कभी ना कभी किसी ने खींचे हुए हैं या फिर कोई एनिमेटेड इमेजेस बनाया हुआ है और उन लोगों ने वहाँ पे अपलोड कर दिया है अपने मोबाइल की मदद से, और वही इमेजेस यहाँ पे अपलोड होके लोगों के सामने, हमारे सामने ये सारे दिख रहे हैं।
अगर इसमें से हमें कोई भी इमेज पसंद आता है तो हम उसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड होती है। हमारे इमेज अपलोड किए हुए वो सारे ही यहाँ पे इस वेबसाइट में लोगों को दिखते हैं, जो कि वो लोग आसानी से उसे सर्च कर सकते हैं और फिर ख़रीद भी सकते हैं। तो देखिए, मैंने उसमें से एक इमेज ओपन किया, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इमेज का कम्प्लीटली डिटेल कि इंडियन एग्रीकल्चर एरिया विथ हाउसेस रायट्स अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ पाम ट्रीज एंड राइफ पैडीज। सो इस तरीके से डिटेल दिया हुआ है उस इमेज के बारे में, और फिर यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि डाउनलोड फॉर फ्री। अभी इसलिए लिखा हुआ है कि पहले कुछ इमेजेस फ्री रहते हैं और उसके बाद में आपको उस इमेजेस के चार्जेस लगते हैं। उसके लिए आपको लॉगिन करके, अगर एज अ कस्टमर आप यहाँ पे कोई इमेजेस ख़रीदना चाहते हो तो, क्योंकि इन सारे इमेजेस ये सारे रहते हैं, इतने ब्यूटीफुल इमेजेस सारे रहते हैं कॉपीराइटेड। तो चलिए हम लोग कुछ और इमेजेस देख लेते हैं। जैसे कि अपन ने ऊपर में टाइप किया था इंडियन विलेजेस, तो वो सारे इंडियन के विलेजेस के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से इतने सारे इमेजेस किसी ने अपलोड किए होंगे। अब जैसे कि ये इंडियंस के हैं, इंडिया के हैं, तो डेफिनेटली कोई इंडियन ही इस तरीके से अपलोड कर रहा होगा। फॉरेनर्स काफ़ी रेयर करते होंगे, तो इस तरीके से इंडियंस भी इसके अंदर इस वेबसाइट में आकर अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं और आराम से पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से कमा सकते हो। तो अब मैं आपको लेकर चलूँगा अपने मोबाइल फ़ोन पे कि आपको वहाँ पे किस तरीके से फ़ोटोज़ खींचना है और साथ ही साथ उसमें से किस तरीके से आपको अपलोड करना है, ताकि दुनिया भर के पब्लिक आपके इमेजेस को देख पाए और पसंद आने पे ख़रीद पाए। तो चलिए चलते हैं। ये है मेरा मोबाइल स्क्रीन। इस मोबाइल स्क्रीन के अंदर में आपको सिंपली जाना है अपने प्ले स्टोर में। तो देखिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपको फॉलो करनी है और वीडियो को एंड तक के देखना है, ताकि आपका एक भी स्टेप मिस ना हो पाए और आप पूरी प्रोसेस अच्छे से सीख जाए और अच्छा खासा आप पैसा कमा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है मोबाइल के आपको मेन्यू में जाके आपको एक आइकॉन मिलेगा प्ले स्टोर का, उसको आपको ओपन करना है और उसमें अब टाइप करना है आपको शटर स्टॉक कॉन्ट्रीब्यूटर। तो देखिए, हमारा एप्लीकेशन सबसे टॉप में ही आ चुका है। यहाँ सेम नेम के आपको काफ़ी सारे एप्लीकेशन मिलेंगे, तो आपको ध्यान से यही वाला चूज़ करना है। आप मोबाइल में अच्छे से देख लीजिए, आपको ये आइकॉन याद रहना चाहिए, आपको यही वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो आपको उसे ओपन कर देना है। ओपन होते ही आपको फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ आपको क्लियरली साइन अप करना है, क्योंकि आप इस एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट टाइम यूज़र हो, तो हमें साइन अप बटन पे क्लिक करना है। साइन अप क्लिक करने पे ही आपको कुछ अपना बेसिक डिटेल पूछा जाएगा, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। एक बार फिल करके हो जाए तो उसको आपको आई एग्री वाले टर्म्स एंड कंडीशंस के चेकबॉक्स को आपको सिलेक्ट करना होगा और सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो आपके तुरंत ही एक मेल आ जाएगा आपके इनबॉक्स के अंदर में, मेल बॉक्स के अंदर में, जिसमें आपको जाकर अपना मेल आईडी को कंफर्म करवाना है। आपने जो भी ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर जाके वो वेरीफाई होगा। एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो उसके बाद में आपको डायरेक्टली ही वेबसाइट के अंदर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो सकते हो। चलिए मैं आपको अपने मेल इनबॉक्स में दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहला मेल आ चुका है मुझे शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर का, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उस मेल में मुझे एक क्लियरली लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करने से मेरा अकाउंट जो कि है वो वेरीफाई हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करते ही इसने डायरेक्टली ही हमें एक सेम एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर दिया है, जाके हमें जहाँ पे हमें थोड़ी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, हम लोग को वो डायरेक्टली ही मेन पेज पे थ्रो कर देगा। तो ये होता है बेसिक पेज किसी भी उस एप्लीकेशन का, जहाँ पे आपको इमेजेस अपनी अपलोड करनी है और वहाँ पे ही आपको अपने
रिव्यूज़ चेक करना है कि आपका क्या है, किस तरीके से आपका मार्केटिंग हो रहा है। तो फिर आपको यहाँ पे अब सिंपली आपको इमेजेस अपलोड करनी है, तो स्टार्ट हियर पे क्लिक कर दीजिए। अब वहाँ पे आपके गैलरी में कुछ ऐसे इमेजेस होने चाहिए जो कि हाई क्वालिटी के हो और 4 MB से अबव के हो, तो आप फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको लाइव इमेज क्लिक करनी है, तो कैमरा भी ऑप्शन दिया हुआ है। आपको वहाँ पे अपने गैलरी का परमिशन देना होगा, जिसके अंदर आपको सिर्फ सिंपली अलाउ बटन पर क्लिक कर देना है, ताकि ये एप्लीकेशन उस गैलरी से ऑटोमेटिकली इमेजेस पिक कर सके और आपको सजेस्ट कर सके। तो इसलिए आपको परमिशन दे देना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको कोई भी एक इमेज ले लेना है जो कि आपको अपलोड करनी है। ध्यान रखिएगा इमेज की क्वालिटी जो कि हो वो 4 MB से ज़्यादा हो, ये इनका बेसिक क्राइटेरिया है। जैसे कि मैंने एक फूड रिलेटेड, एक स्वीट रिलेटेड मैंने एक इमेज है जो कि अपलोड किया है, और वो देखिए यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली आ गया है। अब उसके ऊपर अब हमें एक बार क्लिक करना होगा ताकि हम उसका टाइटल दे सकें, उसका बेसिक डिटेल्स लिख सकें। बिकॉज़ अगर कोई इंटरनेशनल कस्टमर भी आएगा अगर वेबसाइट पे, जो कि मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाया था, तो अगर उस स्क्रीन पे भी आता है तो वो वही चेक करेगा जो कि कॉमन वर्ड्स में हो। जैसे अगर मैंने ये स्वीट्स का रखा हुआ है, जैसे कि मैंने फर्स्टली तो मैंने केक अपलोड किया है, अगर केक का रखा है तो वहाँ पे वो लोग वही सर्च करेंगे जैसे जो कि कॉमन टर्म्स हो। जैसे कि यहाँ पे सर्च कर सकते हैं चॉकलेट केक, केक बेस्ट केक, फ्लफ़ी केक, इस तरीके से कुछ एक चेक कर सकते हैं। तो हम लोग भी उसी डायरेक्शन में अपने जो भी इमेज हम लोग अपलोड करने वाले हैं उसका हम लोग टाइटल लिख देते हैं जो कि कॉमन वर्ड्स में रहना चाहिए, ताकि अगर वो लोग बेस्ट केक भी टाइप करते हैं तो आपका इमेज वहाँ पे शो होना चाहिए। इसी हिसाब टाइटल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये प्रोसेस में, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट ओनली कस्टमर विल गोइंग टू फेच यू और रीड योर एप्लीकेशन। तो देखिए मैंने सारे ही कुछ डाल चुका हूँ इसके अंदर में, और फिर यहाँ पे हमें नीचे टैग्स देने होते हैं कि ये इसके ऊपर 2 से 3 जैसे ये टैग्स क्या काम करते हैं। अगर इनसे मिलते जुलते भी कोई किसी वर्ड में कस्टमर ने सर्च किया है तो आपके इमेजेस को वो सजेस्ट करेगा। तो ये टैग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 7 टैग्स कंपलसरी है, उसके नीचे हम लोग अब नहीं कर सकते, हमें एटलीस्ट 7 तो हमें टैग्स करना ही होगा। यहाँ पे मैंने टेस्टी, डिलीशियस, फ्लफ़ी, केक, इस तरीके से अलग अलग टाइप के मैंने टैग्स लगा दिया हुआ इसके अंदर में। यहाँ हमें कैटेगरीज भी सिलेक्ट करनी होती है, जैसे कि हमारे कैटेगरीज फूड में आती है, तो फूड हम लोग फूड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें एडिशनल इन्फो सिलेक्ट करना होता है, जिसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, एडिटोरियल, इलस्ट्रेटर एंड मैच्योर कंटेक्स्ट। तो ये जो हमारा केक भेजा है वो मैच्योर कंटेक्स्ट में आता है, तो हम उसे क्लिक कर लेंगे और उसे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा जो भी इमेज था हम लोग ने उसको सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, और एक बार ये सबमिट हो जाता है तो ये तुरंत ही रिव्यूइंग पोजिशन पर चले जाता है, जो कि सबसे पहले हमारा 3 स्टेटस होता है, अपलोड, पेंडिंग एंड रिव्यूड। तो फिर अपलोड जो अभी हमने प्रोसीजर किया पेंडिंग में तब आ जाता है जबकि ये रिव्यूइंग स्टेज के पहले का रहता है, मीन्स अभी इसको रिव्यू करने का बाकी रहता है। एक बार रिव्यू हो जाएगा तो वो रिव्यूड जो टैग है उसके अंदर में आ जाएगा। तो इसी तरीके से रहता है, एक बार रिव्यूड आ गया मीन्स वो आपका डायरेक्टली वेबसाइट पे अपलोड हो गया। अब जो भी सामने वाला पर्सन होगा उस पर्सन को अगर आपका इमेज पसंद आएगा तो वो आपसे निगोशिएट करेगा किसी अमाउंट के लिए, और फिर उस अमाउंट को फिक्स करके आपको वापस से अपना पैसा मिल जाएगा। तो और एक, चलिए मैं आपको और एक इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। इस बार मैंने एक स्वीट रोल के लिए इमेज अपलोड किया हूँ, ये देखिए हम लोग वापस से वही स्टेज फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपलोड में जाएंगे, एक इमेज ओपन ने सिलेक्ट किया वो मैंने अपलोड कर दिया। एक बार अपलोड हो जाए तो हमें उस इमेज के ऊपर में एक बार क्लिक करनी है, और क्लिक करने पर हमें उसके टाइटल लिखना है। ये देखिए मैं एक टाइटल लिख चुका हूँ, वैसे ही हमें कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं, जो कि मैंने आपको पिछले इमेज अपलोड करने के टाइम पे भी बताया था कि हमें कुछ टैग्स अपलोड करने होते हैं। जैसे कि ये एक स्वीट है तो मैं कुछ डाल देता हूँ, स्वीट सा, चॉकलेट सा, लाइक उसी तरीके से फूड में आएगा, डिलीशियस में आएगा, रोल्स में आएगा, तो इस तरीके से मैंने कुछ टैग्स ऐड कर दिया हूँ।
और वही वापस से हम लोगों को कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में वापस से हमें जैसे कि ये भी फूड आइटम में ही आता है, तो हमें फूड वापस से सिलेक्ट कर लेना होगा। और फिर वही हमें एडिशनल डिटेल्स में हम लोगों को मैच्योर कंटेक्स, इलस्ट्रेटर और एडिटोरियल्स, उसके उसके हिसाब से पर्टिकुलर इमेज के हिसाब से आपको तीनों में से एक सिलेक्ट करना होगा। एक बार से सही से आपने सिलेक्ट कर दिया तो आपका सबमिशन सक्सेसफुल आ जाएगा, अदरवाइज सबमिशन फेल हो जाएगा। अभी यहाँ पर मेरा फेल हो गया क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन आपका थोड़ा बहुत लंबा होना चाहिए, जिसके अंदर आपका प्रॉपरली डिटेल्स कवर कर ले, तो वो भी मुझे प्रॉपरली फिल करना होगा। फिल करने पे वापस से सबमिट बटन दबाता हूँ, तो जैसे ही दबाया गया वैसे ही सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो देखिए हमारा ये इमेज भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो इस तरीके से ही आपको अपने इमेजेस अपलोड करते रहने हैं। एक बार रिव्यू हो गए उनकी तरफ से कि ये किसी से आपने चुराया नहीं है, आपका खुद का ही इमेज है, तो वो रिव्यूड के अंदर आ जाएंगे और वो डायरेक्टली अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट से। सो यही है सिंपल सी प्रोसीजर। अगर आपको इसके अंदर कोई भी इशू हो तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हो और कमेंट में आप क्लियरली लिख सकते हो कि आपको क्या इशू है, मैं उसको सॉल्व करने का कम्प्लीटली प्रोसेस का कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बस हमें ये सिंपल सी प्रोसीजर करनी है, हमें इमेजेस क्लिक करनी है, यहाँ पे अपलोड करनी है, वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी और पसंद आने पे आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। तो पैसे के लिए आपको इसके अकाउंट सेटिंग्स में जाके अपना पेपाल आईडी ऐड कर देना पड़ेगा सिंपली, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि किस तरीके से पेपाल आईडी होती है, एक ईमेल आईडी होती है, तो वो हमें ईमेल आईडी ऐड कर देनी होती है, जिसके थ्रू जितने भी पैसे आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में क्रेडिट करके आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा और आपका वहाँ से आप इजीली आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बस यही था आज के वीडियो में, और इसी तरीके से हम लोग आसानी से पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू, आपको अपने यहाँ तक के देखे हो तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोज़ लाते रहूँ। थैंक यू सो मच।